जिस भी भाई के पास देखिए भाई जिंग सुपर फ्रीटवेयर बॉक्स है। देखिए जब भी कोई अपना सेट बॉक्स नया लेता है जिंग सुपर बॉक्स, उसमें आप लोगों को या तो 2 साल के लिए रिचार्ज मिलता है या फिर अब पिछले साल से 4 साल के लिए रिचार्ज प्लान भी जारी कर दिया गया है जिंग सुपर बॉक्स की तरफ से, जैसे ही कोई नया कनेक्शन लेता है। लेकिन अगर आपके मान लीजिए 2 साल कंप्लीट हो गए, 4 साल कंप्लीट हो गए, तब आपको क्या करना होगा? तो यहाँ पर जिंग सुपर बॉक्स ने रिचार्ज प्लान भी लॉन्च कर दिए हैं। अगर मान लीजिए आपका 2 साल का जिंग सुपर फीडर बॉक्स है वो ख़त्म हो जाता है, उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है, या 4 साल का तो उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है, तो आप लोग कौन सा रिचार्ज ले सकते हैं? इसमें 1 साल का रिचार्ज प्लान भी है, 2 साल का भी है और 4 साल का भी है। अगर आप लोगों को जिंग सुपर फीडर बॉक्स पसंद आ रहा है क्योंकि उसमें काफ़ी चैनल्स देखने को मिलते हैं, तो आप लोगों के लिए बेनिफिट है ही है इसके अंदर। और 4 सालों तक भाई मतलब इतने कम प्राइस में आप लोगों को ये चैनल्स देखने को मिलते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा भाई, सबसे पहले 1 साल का जिंक सुपर बॉक्स, अगर मान लीजिए आप लोगों का प्लान डेट वैलिडिटी ख़त्म हो चुकी है, प्लान ख़त्म हो चुका है, तो जिंक सुपर बॉक्स का अगर 1 साल का प्लान आप लोग लेते हैं तो वो है 589 में। 589 का आप लोगों को रिचार्ज करवाना होगा। तो जिंग सुपर फीडर बॉक्स में जितने भी चैनल आप लोग देख रहे थे वही जो है चैनल्स जो है आप लोग देख पाएंगे। इसके साथ साथ अगर 2 साल का आप लोग ये प्लान लेते हैं तो 2 साल के लिए आप लोगों को 799 का रिचार्ज करना होगा, 799 रुपये का। जी हाँ, 799 रुपये का रिचार्ज अगर आप लोग करवा लेंगे एक्सपायर होने के बाद, तो फिर से आप लोगों को जिंग सुपर बॉक्स 2 साल के लिए फ्री देखने को मिल जाएगा। मतलब 1 साल से अगर हम कंपेयर करें तो 2 साल का जो रिचार्ज है वो काफ़ी सस्ता है। मतलब 1 ईयर लगाएं तो लगभग 450 रुपये आप लोगों को देने होते हैं। अगर सिंगल 1 साल के लिए आप लोग करते हैं तो 589 देने होते हैं। लेकिन अगर आप लोग 4 साल का रिचार्ज कराएंगे तो वो इन 1 साल या 2 साल के रिचार्ज प्लान से भी काफ़ी सस्ता है भाई। जी हाँ, 1111 रुपये में। जी हाँ, 1111 रुपये का इन्होंने रिचार्ज प्लान लॉन्च किया है। आप लोग सीधा डायरेक्टली 1111 का रिचार्ज कीजिए और 4 साल के लिए आप लोग जिंक सुपर बॉक्स बिल्कुल फ्री देख पाएंगे। मतलब अगर हम इसको 4 से डिवाइड करें तो 300 रुपये से भी कम का खर्चा है। जहाँ आप लोगों को 1 साल का 589 देना पड़ रहा है, तो आप लोग मतलब 4 साल के लिए इकट्ठा ही करा लेते हैं तो 1111 रुपये रिचार्ज कराना होगा। 300 रुपये से कम का है भाई, 300 रुपये से भी कम जो है आप लोगों के लगने वाले हैं 1111 का अगर आप लोग रिचार्ज करवाते हैं। तो बहुत अच्छा जो है रिचार्ज प्लान इन्होंने लॉन्च किया है अभी 1111 में। अगर आप लोगों का जिंक सुपर बॉक्स डीएक्टिवेट होने वाला है तो आप लोग इस रिचार्ज प्लान को ले सकते हैं। मेरे लिए तो भाई 4 साल वाला रिचार्ज प्लान ही बहुत अच्छा है भाई, सबसे सस्ता है। और जहाँ 800 रुपये देंगे आप लोग तो वहाँ 1111 का ही करवा लीजिए भाई, ठीक है। सो अपडेट यही थी दोस्तों जिंक सुपर बॉक्स को लेकर। अपडेट अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। धन्यवाद।